हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं और मैं ला रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट समरी, यानी कि एक तरीके से कंप्लीट जो है कंक्लूजन है, ये कंप्लीट जो है संपूर्ण निचोड़ है ये जो पिछले सालों में क्वेश्चन से पूछे हुए हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर गाइड करूँगा जिन चीज़ों को आप पढ़ करके जाएंगे और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत डिफर पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं। तो आज का जो हमारा पेपर होगा वो होगा हमारा हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री को हम समझेंगे किस तरीके से पढ़ना है, किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है और कैसे कैसे चीज़ें हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है आपका हिस्ट्री का पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हिस्ट्री का पेपर है। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ, कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल एड्स, डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंस ऑडियो विजुअल एड्स विच यूज इन हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल में ऑडियो विजुअल एड्स को आप क्या समझते हैं, कैसे इसको समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन से चलते हैं हम लोग। देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स कंप्लीट मटेरियल्स डिवाइसेस ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर्स इन क्लासरूम आर अदर टीचिंग एक्सपीरियंसेस सच एज डीवीडी कंप्यूटर पिक्चर मैप ऑब्जेक्ट्स बुक्स। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि टीचिंग एड्स का मतलब, ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कि आप पढ़ाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या फिर ये कह लो कि टूल्स का यूज़ करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, टीचिंग एड्स कहलाते हैं। अब ये जो ऑडियो विजुअल है वो भी एक टीचिंग एड्स है जिसमें हम चीज़ों को देख करके और दिखा करके और फिर बोल करके समझाते हैं, यानी कि जब बच्चा जो है सुन भी रहा है देख भी रहा है तो इसके माध्यम से जब हम सीख रहे होते हैं तो हम 100% चीज़ें सीखते हैं। तो जो ऑडियो विजुअल जो एड्स है उसको हम आपको बताना है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आप समझा लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो होता है वो होता है आपका डिस्क्राइब द रोल ऑफ टूर एंड एक्सक्यूशन इन हिस्ट्री टीचिंग। देखिए, टूर के बारे में यानी कि ऐतिहासिक शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऑब्वियसली हिस्ट्री जो पेपर होता है ना, शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप क्लास में बंद करके पढ़ाएंगे, उसको अगर नहीं दिखाएंगे, जैसे कि 10 घंटे भी अगर आपने लेक्चर दे दिया और अगर आपने जाकर के एक बार उसको एक मिनट दिखा दिया तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये जो है आपका टूर वाला यानी कि शैक्षिक भ्रमण का जो भूमिका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हिस्ट्री पेपर में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका तीसरा, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स यानी कि जब हम टीचिंग ऐसे कराते हैं कि आप अपने उसके स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ माइक्रो प्लान फॉर इंट्रोडक्शन स्किल्स। देखिए, माइक्रो प्लान यानी कि माइक्रो टीचिंग जो होता है एक छोटे लेवल पे जब हम प्लान करते हैं, जिसको हम इंट्रोडक्शन जो होता है, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन स्किल हो गया, उसके बाद ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया, क्वेश्चनिंग स्किल हो गया, रीइंफोर्समेंट स्किल हो गया, ये सारे स्किल्स को किस तरीके से हम फॉलो करेंगे, है ना, एक टाइम में किस तरह। माइक्रो लेवल का मतलब होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि छोटे वे में, बच्चा भी बहुत कम है, जैसे 10 से 10 बच्चा है, पढ़ाने का जो टाइम है वो भी जो है 5 से 6 मिनट ही है। तो जब हम माइक्रो लेवल पे यानी कि छोटे लेवल पे हम कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ही स्किल को डिस्कस करते हैं। अगर एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन स्किल को डिस्कस करेंगे। तो ये माइक्रो टीचिंग में आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर के, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे के जो दिए हुए हैं क्वेश्चन उस पर आपको लिखना है। देखते हैं क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि स्टडी सर्कल क्या होता है। देखिए, स्टडी सर्कल का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे कि ये है यहाँ पे, यहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, पढ़ते उसका पढ़ने के बाद में जो है आप जो है उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो यहाँ पे, और प्रोग्रेस करते करते आगे बढ़ते हो, उसके बाद आपका एवेल्युएशन होता है और फिर आप जो है अच्छा नंबर नहीं ला पाते हो, फिर आप पढ़ाई करते हो, फिर जो है आप क्या कहते हैं कि डिस्कस करते हो, फिर आपका एवेल्युएशन होता है, फिर जो है ये चीज़ चेक होती है कि आपने प्रोग्रेस किया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो उसको हम स्टडी सर्कल बोलते हैं। सेमिनार एंड डिस्कशन, ये भी एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ पढ़ते हैं सीखते हैं, सेमिनार के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से। उसके बाद होता है आपका हिस्ट्री म्यूजियम। हिस्ट्री म्यूजियम के माध्यम से भी आपको चीज़ें सिखाया जाता है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये।
पांचवा क्वेश्चन ये कहते हैं कि डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आपको पता है मूल्यांकन हर विभाग में हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मूल्यांकन या फिर इवोल्यूशन ही बताता है कि आपने कितना सीखा, आपने क्या कितना डेवलप किया, कितना प्रोग्रेस किया, ये कौन बताता है? इवोल्यूशन बताता है, ये बहुत कंपलसरी है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल वी एस इंटरनल इवोल्यूशन। देखियो दो तरीके इवोल्यूशन के टाइप पहले आपको बताना है। ऑब्वियसली इवोल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि असेसमेंट हो गया, जैसे कि मेजरमेंट हो गया, जैसे कि आप जो है शॉर्ट टाइप्स आंसर हो गया, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर हो गया, है ना, फिलिंग द ब्लैंक हो गया, ये इवोल्यूशन के बहुत सारे, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, असाइनमेंट टेस्ट हो गया, ये बहुत सारे टाइप्स हैं इवोल्यूशन के। अब ये बताना है कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इवोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। देखिए बच्चे जो चीज़ें सीख रहे हैं उसके अंदर में, जैसे साइकोलॉजी क्या कहता है कि बच्चे के बिहेवियर में कितना चेंजिंग आ रहा है वो आपको बताना है। तो आपके बिहेवियर जब चेंजिंग आ रही है या फिर आपके जो नेचर में चेंजिंग आ रही है उसको हम इंटरनल बोलते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो चीज़ें, जो सिलेबस आपको सिखाया जा रहा है उस सिलेबस को आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उसको एक्सटर्नल इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगा क्लियरली तरीके से। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपकी वजह से एक शिक्षक की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।